Hey guys, welcome back to my channel. तो मेरी दालों का बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. तो सिस्टर, तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश. तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए. हाँ. आज मैं बनाऊंगी खीर, हम दोनों मिलकर बनाएंगे. तो अब हम चलते हैं अपने. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तब हम चलें. चलो चलें सिस्टर के चलें. ये भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनती है खीर. वो मैं इतनी मजेदार बनाती हूँ ना कि आप लोगों की सोच है. हम दोनों मिलकर चलो गाइस की शरारतें चेक करें. मोहम्मद करो, मोहम्मद जलाओ. कहता मैंने भी ऐसे करना है. चलो फिर सबसे पहले हम इतना बड़ा पतीला ले लेंगे, आप देख सकते हैं हल्की आग पर नॉर्मली भी. तो अब हमने ये देखे हैं आप, ये चावल है, 1.5 कप हमने चावल लिए हैं. जी हाँ. आपने चावलों को सबसे पहले भिगोकर इनको सुखाकर फिर आप लोगों ने इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेना. ठीक है, देख सकते हैं कितने बारीक है. इतने बारीक आप लोगों ने कर लेना है. और अब हम इसको इस पतीले में ये देख सकते हैं आप, एक कप पानी लिया है हमने. अब हम इसको ऐड करेंगे. अब हम इसके अंदर ज्यादा ही गर्म हो चुका है. अब हम चूल्हा बंद कर देंगे. जी हाँ. अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो अब गाइस हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे 1.5 कप. और अब हम इसे थोड़ी देर हिलाते रहेंगे. अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं. जैसे कि मुझे अब पानी बिल्कुल सही लग रहा है, मैं ऐडिंग करूँगी. अब हम इसको थोड़ा सा हमने इसको गर्म कर लिया है. देख सकते हैं एक चाय पर हमने 6.5 किलो दूध लिया है. जी हाँ. 6.5 किलो दूध में ना हमने 1.5 कप चावलों को ऐड करना है. ठीक है, अब हम इस दूध को इस चावल के अंदर ऐड कर देंगे. जी हाँ. बिस्मिल्लाह. साथ ही साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि जो चावल है हमारे वो साथ ना लगे जब तक इसको उबाला नहीं आता. दस लोग खीर के अंदर इलायची वगैरह चीजें डालते हैं तो हमें वो वगैरह चीज़ें नहीं पसंद. इलायची वगैरह, बादाम वगैरह डालते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पसंद ना. मुझे पसंद ना, मेरी सिस्टर को पसंद. मुझे सिर्फ इलायची नहीं पसंद जो मैंने इसमें अंदर नहीं डाली. अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं. मुझे इलायची के अलावा जितनी भी चीज़ें है वो मुझे नहीं पसंद. तो मुझे सारी खीर पसंद है सिस्टर. अभी तक मेरी खीर को उबाला नहीं आया. जी हाँ. मैं इसको उबाला दिला ताकि हमें चमचा हिलाई जाना है. क्योंकि अगर हम चमचा नहीं हिलाएंगे तो ऊपर का कैमरा थोड़ा, तो अगर हम चमचा नहीं हिलाएंगे तो फिर खीर नीचे लग जाएगी. इसलिए हिलाई जाना है, हिलाई जाना है. तो जैसे गाइस देख सकते हैं आप भी उस तरफ कपड़े निकाली गई हैं मशीन की तरफ. तो आप मुझे काम देख के कि तुम्हें खीर को हिलाई जाना है, हिलाई जाना है, मुझे सबसे बुरा काम लगता है. तो अब मैं खीर को हिलाई जा रही हूँ. उफ गाइस, हिलाई जा रही हूँ, हिलाई जा रही हूँ. देख सकते हैं मेरा दुपट्टा बहुत खराब लग गया है मुझे. तो जैसे आप देख सकते हैं हमारी खीर को उबाला आने लगा है. उबाला, उबाला कहते हैं उबाला. उबाला सिस्टर. हाँ जी. वाह, तो देखें आपको भी दिखाती हूँ. उबाला बस तकरीबन आने ही बल्कि आ चुका है, ये देख सकते हैं आप. जी हाँ. तो अब हम इसको तकरीबन उबाला 1.5 घंटे के बाद उबाला आया. अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आग पर. क्योंकि उबाला तो आ चुका है लेकिन भी हम थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे ताकि खीर साथ ना लगे. चल
माशाल्लाह। जैसे गाइस देख सकते हैं हमारी खीर बिल्कुल तैयार होने भी नहीं हुई होने, तो जैसे गाइस देख सकते हैं हमारी खीर का रंग चेंज हो गया है। तो सिस्टर अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आज हम चीनी डाल दी, अब इसे मिक्स करेंगे। देख सकते हैं हमारी खीर बनना स्टार्ट हो गई है, तो मैं बस तैयार होने वाली है, सिर्फ पानी का खीर बन जाएगी। जैसे गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी खीर बंद कर उसको बंद कर। जैसे गाइस देख सकते हैं हमारी खीर पकनी है, बस पकने वाली है। जब ये देख सकते हैं जब ये बुबले मारना स्टार्ट हो गई ना, ये देखें आप लोग, तो समझो हमारी खीर बस तैयार होने वाली है। और देखें ये टाइट भी हो चुकी है। अब इसको ऐसे हिलाई जाना, जब एंड पर खीर तब भी इसको हिलाते ही रहें ताकि साथ ना लगे, क्योंकि जब साथ लग जाती है तो साथ टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए अब ये बुबले मारना स्टार्ट हो गई है तेज़ तेज़। अब इसको ऐसे हिलाई जाएंगे। जैसे गाइस देख सकते हैं हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तैयार हो गई है। थोड़ा कैमरा पीछे करो के। गाइस देख सकते हैं आज की हमारी ये थी वीडियो छोटी सी। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब दोस्तों से शेयर करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो अभी जी उनका मैं उसको इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।